दोस्तों 2022 का राशन कार्ड लिस्ट जो है जारी हो चुका है। आप जो है अपने मोबाइल से ही बहुत ही आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं कि राशन कार्ड लिस्ट में नाम है कि नहीं है, और अगर राशन कार्ड के लिस्ट में आपका नाम है तो आपके राशन कार्ड में कितना यूनिट है, आपके परिवार के कितने लोगों का नाम ऐड है, कितने लोगों का नाम नहीं ऐड है, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं राहुल प्रिंटिंग प्रेस चैनल। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने मोबाइल में ओपन कर लीजिएगा गूगल क्रोम, उस पर आपको डाल देना है ऑल स्टेट राशन कार्ड, इतना डाल के आपको सर्च पे प्रेस कर देना है। तो आप सर्च पे जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर वाली वेबसाइट में मिल जाएगी, आपको इस पे प्रेस कर देना है, क्लिक कर देना है जो लिखा होगा nfsc.gov.in, और नीचे लिखा होगा राशन कार्ड डिटेल ऑन स्टेट यूटी पोर्टल NFSC। तो आपको इस वाली वेबसाइट पे प्रेस कर देना है। आपको इस वाली वेबसाइट पे जैसे प्रेस करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट हमारे सामने कुछ इस तरह का ओपन होके आ जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ से जो है आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप अपने स्टेट का राशन कार्ड चेक कर सकते हैं। आप ऑल इंडिया में कहीं भी हों, आप कहीं का भी राशन कार्ड चेक करना चाह रहे हों तो आप अपना राशन कार्ड बहुत ही आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं। जो कि दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑल स्टेट यहाँ पर शो हो के आ रहा है, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, यहाँ पर पूरा ऑल स्टेट शो हो के आ रहा है। तो आप जहाँ कहीं के भी रहने वाले हों आप अपने स्टेट को अपने स्टेट पे प्रेस कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। जैसा कि दोस्तों मैं जो है उत्तर प्रदेश में हूँ, तो मैं जो है उत्तर प्रदेश पे क्लिक कर देता हूँ, प्रेस कर देता हूँ। तो आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हो आप उस स्टेट पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, तो आखिर लिखा होगा ओके, तो आपको ओके पे प्रेस कर देना है। तो आप ओके पे जैसे प्रेस करेंगे तो ये अगली डिटेल हमारे सामने कुछ इस तरह का ओपन होके आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना है, और दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि जो है उत्तर प्रदेश का चेक करके दिखा रहे हैं, तो आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो आप इसी तरह से जो है अपना राशन कार्ड चेक कर सकते हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों ये वेबसाइट हमारे सामने कुछ इस तरह का ओपन होके आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर लिखा होगा जिले का नाम, तो आपका जो भी जिला हो आप अपने जिले पे प्रेस कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा, और अपने जिले पे जैसे प्रेस करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने दो ऑप्शन ओपन होके आएगा, जो कि पहला ऑप्शन होगा नगरीय क्षेत्र और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन होगा ग्रामीण क्षेत्र। तो आप जिस भी क्षेत्र के रहने वाले हों, जिस भी क्षेत्र से आप बिलोंग करते हों, आप उस क्षेत्र का, मान लीजिए अगर आप नगरीय क्षेत्र से हों तो नगरीय क्षेत्र का आप टाउन यहाँ पर लिखा होगा, तो आप अपना टाउन सेलेक्ट कर लीजिएगा, उस पर आप प्रेस कर दीजिएगा, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हों तो आपको अपना ब्लॉक चूज कर लेना है। तो आप अपना ब्लॉक जैसे चूज करेंगे तो ये अगली डिटेल हमारे सामने कुछ इस तरह का ओपन हो किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा होगा ग्राम पंचायत, तो आपको यहाँ पर अपना ग्राम पंचायत चूज कर लेना है। तो आप जिस भी ग्राम पंचायत से हों तो आप अपने ग्राम पंचायत पे क्लिक कर देना, प्रेस कर देना। तो आप उस ग्राम पंचायत पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिख के आ जाएगा दुकानदार का नाम और पात्र गृहस्थी अंत्योदय योग। तो दोस्तों अगर आप पात्र गृहस्थी का चेक करना चाह रहे हो या अंत्योदय का चेक करना चाह रहे हो तो यहाँ पर देखिए राशन कार्ड नंबर पे प्रेस कर देना है, यहाँ पर लिखा होगा राशन कार्ड, और यहाँ पर देखिए 280 नंबर लिखा होगा, जो कि ये जो है नीले कलर में कुछ हाईलाइट में है, तो आपको इस वाले नंबर पे आपको प्रेस कर देना है। तो आप इस वाले नंबर पे जैसे प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने पूरी लिस्ट ओपन होके आ जाएगी, जो कि दोस्तों यहाँ पर देखिए धारक का नाम लिखा होगा, और यहाँ पर पिता या पति का नाम लिखा होगा, और यहाँ पर माता जी का नाम लिखा होगा, और यहाँ पर देखिए कुल यूनिट यहाँ पर शो हो रहा है, और किस डेट में आपका राशन कार्ड फीड हुआ है, यहाँ पर पूरा डेट यहाँ पर शो होके आ जाएगा। तो आप अपना नाम इस लिस्ट में जो है ढूंढ लीजिएगा, और उसके सामने आपके पिता या पति का नाम लिखा ही होगा, आप उससे जान ही जाएंगे कि हाँ राशन कार्ड लिस्ट में नाम है कि नहीं है। और दोस्तों अगर राशन कार्ड लिस्ट में आपका नाम है तो आप राशन कार्ड को कैसे ओपन करके देख सकते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा होगा डिजिटाइज्ड राशन कार्ड संख्या, तो आपको राशन कार्ड संख्या पे प्रेस कर देना है, जो कि ये देखिए राशन कार्ड संख्या हाईलाइट में है। तो आप राशन कार्ड संख्या पे जैसे प्रेस करेंगे तो आपका राशन कार्ड पूरा ओपन होके आ जाएगा। तो आप यहाँ से जो है अपना कुल यूनिट चेक कर सकते हैं कि फैमिली में कितने लोगों का नाम ऐड है, कितने लोगों का नाम नहीं ऐड है। यहाँ पर देखिए पूरा यूनिट शो होके आ रहा है, जितने परिवार में जितने भी मेंबर हैं यहाँ पर पूरा नाम यहाँ पर शो होके आ रहा है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि किसका नाम कटा है और किसका नाम जुड़ा है। और दोस्तों अगर इसको प्रिंट करना चाहते हो तो आप नज़दीकी CSC सेंटर पर जा करके अपना जो है राशन कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि राशन कार्ड के लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक किया जाता है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसी ही वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।